नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। आज 20 अप्रैल है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम आज की झारखंड की 5 प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर, झारखंड में 8 दिन का लॉकडाउन, 23 से 29 अप्रैल तक जरूरी सामान छोड़ सारी दुकानें बंद रहेगी। एक जगह 5 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थल में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस दौरान जरूरी सामान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। किसी भी जगह 5 या उससे अधिक लोग के जमा होने पर प्रतिबंध होगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन आम लोगों के लिए वहां प्रवेश निषेध होगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से समीक्षा की है। उसके समीक्षा के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। अगली खबर, लालू यादव को रिहा होने के लिए थोड़ा और करना होगा इंतजार। कोरोना के कारण 25 अप्रैल तक बार काउंसिल ने वकीलों को काम नहीं करने का आदेश दिया है। बिना बेल बॉन्ड भरे लालू नहीं आ सकते हैं बाहर। चारा घोटाले में सजायाफ्तार और आरजेडी सुप्रीमो को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जमानत मिल गई है, लेकिन कोरोना ने उनके बाहर आने पर ब्रेक लगा दिया है। लालू रिहा होने के लिए अभी 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल ऐसा राज्य के वकीलों के खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखे जाने के कारण हुआ है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड राज्य बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक अदालती कार्य नहीं करने का आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड साइन नहीं कर पाएंगे। बेल बॉन्ड साइन करने के बाद ही उन्हें बाहर आने की परमिशन होगी। फिलहाल अगली खबर, मौसम का मिजाज, रामनवमी के दिन रांची में छाए रहेंगे बादल, आंधी के साथ हल्की बारिश के भी आसार। आज साफ रहा आसमान। रामनवमी के दिन रांची में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक बुधवार को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के भी आसार हैं। अगली खबर, झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 4,401 नए पॉजिटिव मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 28,046। लोगों ने दम तोड़ दिया। झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रांची की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,401 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इनमें रांची से 1,404 लोग शामिल हैं। आखिरी खबर, कैदियों को कोविड से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रांची के कैदियों को होटवार भेजने से पहले 14 दिन खेलगांव में किया जाएगा क्वारंटाइन, और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा। रांची में अब कैदियों को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। रांची के केंद्रीय कारा होटवार के सुरक्षित रखने के लिए जेल भेजे गए कैदियों को अलग क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने की तैयारी की जाएगी। इसके लिए खेलगांव में एक कैंप जेल बनाया गया है, जहां जेल भेजे गए नए कैदियों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाएगा। उनकी जांच की जाएगी, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें फिर जेल भेजा जाएगा। फिलहाल 5 प्रमुख खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त झारखंड की 5 प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।